हेलो एवरीवन, और ये है अपनी क्लिनिकल एनाटॉमी सीरीज। और आज अपन बात करने वाले हैं अपने पूरे स्कैल्प के क्लिनिकल एनाटॉमी पॉइंट्स के बारे में। तो देखो, स्कैल्प का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट जो होता है वो एक्चुअली में अपना होता है डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प। तो आपको मैं बताऊं, इसकी जो फोर्थ लेयर जो अपनी रहती है लूज अरेओला कनेक्टेड टिश्यू की लेयर, याद रखना वो वाली लेयर जो है ये अपनी होती है डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प। और ये वाली लेयर को अपन डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प क्यों कहते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से पता होता है कि अपनी लूज अरेओला टिश्यू की लेयर में अपना प्रेजेंट होते हैं इमेजिनरी वेन्स। और ये इमेजिनरी वेन जो है अपना नीचे की तरफ अपना जो ड्यूरल वीनस साइनस जो है उसके डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होते हैं। तो मान लो कभी भी अगर अपना इस लेयर के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो अपना सारा इन्फेक्शन जो है अपना इमेजिनरी वेन के थ्रू अपना नीचे ड्यूरल वीनस साइनस के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। तो यही इसका रीजन है कि अपना लूज अरेओला कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जो है वो अपना होता है डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प। देन डेंजरस एरिया के बाद में अगर बताऊं तो मान लो कभी भी अपना जो है स्कैल्प के अंदर आपको इंजरी हो गई, तो होगा क्या, अपना जो लूज अरेओला कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जो है इसके अंदर अपना ब्लड जो है कलेक्ट हो जाएगा। देन ये जो जितना भी ब्लड अपना यहाँ पे कलेक्ट हुआ है वो क्या करेगा, अपना नीचे की तरफ, तो मान लो अपने स्कैल्प के अंदर ऊपर की तरफ ब्लड कलेक्ट हो गया है, देन वो सारा कलेक्टेड ब्लड जो है नीचे की तरफ अपना एक्सटेंड करेगा। और इस जितना भी ब्लड अपना एक्सटेंड जो करता है ना वो फिर अपना आ जाता है अपर आई लिड में और नोज वाले रीजन में, और उसके कारण फिर आपको यहाँ पे जो है ना ब्लैक आई देखने के लिए मिलती है। तो टोटल मैंने आपको इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प, फिर मैंने आपको बताया इसके ब्लैक आई के बारे में। देन उसके बाद आपको यहाँ पर पहले से ही पता है, आपने कभी भी देखा होगा कि अपना फेस वाले और स्कैल्प के अंदर अगर छोटी सी भी माइनर इंजरी भी अपनी हो जाती है, मान लो माइनर कट हो गया, तो आप देखते हो कि उसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। तो देखो उसके टोटल दो रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि आपको पता है कि अपने स्कैल्प के सेकंड लेयर जो अपनी होती है अपने स्कैल्प की, तो अपने स्कैल्प के सेकंड लेयर जो होती है कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, इसके अंदर बहुत ज्यादा अपनी ब्लड सप्लाई होती है, अपनी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो होता क्या है, अगर अपने माइनर भी कट अगर अपना हो जाता है अपने स्कैल्प के रीजन के अंदर, तो अपना ये सारी ब्लड वेसल जो है ये इनका भी इंजरी हो जाता है और यहाँ से एक्सेसिवली अपना ब्लड लॉस होता है। उसके अलावा अपने जो कनेक्टिव टिश्यू की ये जो फाइब्रस फेशिया जो है वो अपने क्या करती हैं, एक्चुअली में अपने वेसल्स की वेसो कॉन्ट्रेक्शन को अपना प्रिवेंट करती हैं। तो उसके कारण भी अपना जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। तो अगर अपना माइनर कट हो गया स्कैल्प में, उसके अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग दो रीजन के कारण होती है। सबसे पहला रीजन कि इसकी सेकंड लेयर में जो है ब्लड वेसल बहुत सारी होती है, उसके अलावा इसके सेकंड लेयर जो है अपने वेसो कॉन्ट्रेक्शन को प्रिवेंट करती है, उसके कारण भी यहाँ पे अपन को ब्लीडिंग होती है। देन इसका नेक्स्ट क्लिनिकल पॉइंट जो है वो एक्चुअली में अपना रहता है सेबेशियस सिस्ट के बारे में। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि अपने स्कैल्प के स्किन वाले रीजन के अंदर जो है स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं, और इन्हीं सेबेशियस ग्लैंड के अंदर जो है अपना सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है। तो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा। इन्हें सारे जितने भी पॉइंट जो होते हैं याद रखना वो मेनली मैं आपको बीडीसी से ही बताता हूँ, क्योंकि बीडीसी के अंदर क्लिनिकल एनाटॉमी बेस्ट लिखी है, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। तो देखो, अगर कभी भी यूनिवर्सिटी में स्कैल्प ऐसे शॉर्ट नोट में आ गया ना, या फिर लॉन्ग में भी आ गया, तो आप करना क्या, उसका एक क्लिनिकल हेडिंग का पॉइंट डालना पूरा लिखने के बाद, और उसमें एक जो डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प जो होता है ना वो एक आप डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प का पॉइंट आप लिख देना। तो उससे होगा क्या, एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी देखेगा तो आपको फिर उसमें ज्यादा मार्क्स वो दे देगा, क्योंकि अगर आप एक से दो क्लिनिकल पॉइंट लिख देते हो तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करना, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपनी होने वाली है इंटीरियर और पोस्टीरियर ट्रायंगल के ऊपर, और उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।